हेलो गाइस। सो यार, क्या अपडेट है गढ़वाल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उसके बारे में आज अपन जानेंगे। काफी सारे स्टूडेंट को कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि भैया गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट है, हालांकि यहाँ पे जो है फोर्थ मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है, जैसा कि देख सकते हो 18 तारीख को बहुत सारी मेरिट लिस्टें रिलीज की गई है गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इनमें जो है जिन जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो चुका है, वो जो है अपना रिफंड लेना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को जो है स्पेशली ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, राइट? तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आज अपन फुल इस वीडियो के अंदर। इससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, एक यार सीयूटी एडमिशन यूजी व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप जो है उसमें जाके जरूर से रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है? वहां पे ना हम जो आपको सारी के सारी अपडेट डालते रहते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखा देता हूँ, आपको कैसे फीस पेमेंट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लॉग इन करोगे, 25-13-62 लॉगिन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई बच्चा है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। तो जिसको भी सीट अलॉट हो जाती है, एक्शन के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको जस्ट लाइक विड्रॉ एप्लीकेशन ऑन पे सीट फीस, तो आपको उस मोमेंट पे जो है यहाँ पे पे सीट पे इस पर क्लिक कर देना है और आपका जो है एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो इस प्रकार से सारा सीन है। अब यार जिन बच्चों का अभी भी एडमिशन नहीं हुआ है, काफी सारे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो जो है हमारा सीयूटी पेड काउंसलिंग प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपका जो है पूरा ऑलमोस्ट एडमिशन कंप्लीट करा देते हैं टिल लास्ट राउंड तक, स्पोर्ट राउंड तक, और उसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम रखा है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो यार हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम आपका एडमिशन करा देते हैं कंप्लीट एडमिशन, वो भी फ्यू चार्जेस के अंदर। आप हमारी सीयूटी गाइडेंस प्लान ले सकते हैं ओनली फॉर 1499 रुपये में, जहाँ पे आपको जो है 24 आवर्स लाइव सपोर्ट मिलता है, जब तक तब तक कि आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती। ओके, सो अब आपको मेरिट लिस्ट जो चेकआउट करनी है वो यहाँ पे जस्ट लाइक पहले जैसे मैंने आपको दिखाया था, व्यू नोटिस में जाके आप अपनी अलग अलग मेरिट लिस्टें देख सकते हो, उनके लिए क्या अपडेट दिया है कॉलेज वालों ने, जो भी है फिजिकल काउंसलिंग का, ऑनलाइन काउंसलिंग का। आपका बहुत सारी कंडीशन में ऑलमोस्ट जगह तो फिजिकल काउंसलिंग ही ले रहे हैं ये लोग, वहीं पे बुला रहे हैं, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो बीटेक की लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए फोर्थ मेरिट लिस्ट आ चुकी है, और जो है ये बीएचएम के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट आई है। तो इसमें नोटिस में क्या आया वो भी देख लो जरा। तो गाइस ये जो 18 तारीख को नोटिस आया, इसमें लिखा है कि लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट एडमिशन फीस इन बीएचएम फर्स्ट सेमेस्टर 30/10/2022, 30 अक्टूबर तक का आपको टाइम दिया गया है। एंड द कैंडिडेट जस्ट लाइक फ्यूचर मोड, द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू वेरीफाई दिस टेस्टिमोनियल फिजिकल ऑन बिफोर 5/11/2022 एट सीएमटीएचएस। ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंटेंटिव देयर पेमेंट प्रोसेस एट देयर एलआईटीस, यानी कि आपको ये रिक्वेस्ट किया जाता है जल्द से जल्द आप अपना पेमेंट करें। मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू होता है तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूँ 2 सेमेस्टर की, तो वो है 30,000 इक्वल टू 0, ट्यूशन फीस 500 इक्वल टू 0, वो मैं 0 क्यों लिखा भाई, डीएसडब्ल्यू फीस 950 इक्वल टू 0। टोटल आपकी फीस हो गई टू बी डिपॉजिट ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन 31,450, जो कि आपको अभी पे करनी है 30 तारीख तक, ठीक है? तो ये है एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है। ओके, तो यार आपको घूमने का मजा मिलेगा फाड़ों वगैरह में। एंड ये लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए क्या अपडेट आया, इनको ये टाइम दिया गया है टिल 21 तारीख तक का, ठीक है? तो आप जो है अपनी फीस वगैरह 21 तारीख तक लॉग इन करके पोर्टल पे जमा कर सकते हैं। ओके, द मेरिट एंड दीज एडमिशन आर स्ट्रिक्टली प्रोविजनल एंड विल बी कन्फर्ड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स डीन ऑफिस बिफोर 29/10/2022, दीपावली वेकेशन फ्रॉम 24 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि यार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है 24 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक दीपावली के वेकेशन है, तो उस वेकेशन में जो है कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो आपको जो भी अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है वो या तो 23 तारीख तक करना है या फिर 28 तारीख से करना है,
24 से लेके 27 तारीख तक दीपावली के वेकेशन रहने वाले हैं। ओके, तो ये लिस्टें आई है यार, इन बच्चों का एडमिशन कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। एंड फादर्स नेम देख सकते हो, यहाँ पे तीन तीन अक्षर दिया गया है, इनिशियल LMS वीक के हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। लोगों जस्ट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, क्या बात है, क्या बात है, यूनिवर्सिटी वालों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है।